यहाँ से कि आज भगवान मध्यमहेश्वर जी की डोली अपने धाम मध्यमेश्वर धाम के लिए प्रस्थान कर रही है। देवी यहाँ पे जो विराजमान है बाल स्वरूप में विराजमान है। लगता है आने वाले 5-10 सालों में ये यात्रा भी बहुत ही भव्य होने वाली है। आज रात्रि विश्राम के लिए डोली जाएगी रांसी गाँव में। डोली को ज्वाइन करूंगा परसों जब भगवान जी के कपाट खुलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मध्यमहेश्वर घाटी के गिरिया गांव से। सुबह के अभी 6:30 हो रहे हैं और अभी मेरी तैयारी हो चुकी है ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ तक जाने की। तो यह जी मनसुना मार्केट जहाँ की आजकल बहुत ही कम गाड़ियां हैं, सभी गए हैं यहाँ से यात्रा वाले रूट पे। तो यहाँ से मैंने एक पगड़ी भी रख दी है भगवान जी को चढ़ाने के लिए। ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ है मनसुना से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पे। भैया से चला काकेता जी। तो हमको मिले हैं प्रमोद भैजी जिनकी गाड़ी में हम सोनप्रयाग से आए थे परसों अपने घर तक। और यहाँ वडला धार तक देखिए रोड के दोनों ओर पूरी सफेदी कर दी गई है भगवान जी को विदा करने के लिए। तो पहुँच चुके हैं उखीमठ में और यहाँ से ठीक नीचे भगवान ओमकारेश्वर जी के मंदिर के भी दर्शन होते हैं। अभी हम पहुंचे हैं ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में जहां से कि आज भगवान मध्यमहेश्वर जी की डोली अपने धाम मध्यमेश्वर धाम के लिए प्रस्थान कर रही है। यह है ओमकारेश्वर मंदिर जहां पे कि भगवान केदारनाथ जी और भगवान मध्यमहेश्वर जी की शीतकाल में पूजा अर्चना की जाती है। और आज यहां से भगवान मध्यमहेश्वर जी की डोली अपने धाम मध्यमेश्वर धाम के लिए प्रस्थान कर रही है। भगवान मध्यमहेश्वर जी की डोली प्रस्थान कर चुकी है अपने मध्यमहेश्वर धाम के लिए। और सर्दियों में 6 महीने भगवान मध्यमहेश्वर जी की पूजा अर्चना होती है ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में। यह वही स्थान है जहां पे महाराजा मानदाता जी की तपस्थली है। यहां पे भगवान भोलेनाथ जी ने उनको ओमकार स्वरूप में दर्शन दिए थे जिस वजह से इस जगह को ओमकारेश्वर के नाम से भी जानते हैं। बाकी यहीं पे है भगवान श्री कृष्ण जी के पौत्र अनिरुद्ध और वाणासुर की पुत्री उषा का विवाह स्थल जिस वजह से इस पूरे क्षेत्र को उषामठ से आज उखीमठ नाम से भी जानते हैं। भगवान केदारनाथ जी की डोली यात्रा के ठीक विपरीत इस डोली यात्रा में उतने ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ तो नहीं रहती है, लेकिन जिन जिन गाँवों से भगवान जी की डोली आगे बढ़ती है वहाँ के लोग भगवान जी को विदा करने के लिए कुछ दूरी तक जाते हैं। थैंक यू, कैसे हो? बहुत धन्यवाद है। हमको भी ले ले वीडियो में। वीडियो ऑन जी, आप लोग भी वीडियो में। नमस्ते जी, ठीक ठाक। बड़े बड़े भगवान मध्यमहेश्वर जी की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से प्रस्थान करने के बाद डंगवाड़ी, ब्राह्मण खोली, मंगोली, पाली फापंज, मनसुना गिरिया और रावले कुन्याणा होते हुए अपने धाम मध्यमेश्वर के लिए प्रस्थान करती है। बाकी यहाँ पे अचानक से मुलाकात हुई अपने ट्रैक के दोस्त बड़े भैजी सुजान भैजी से। बाकी इनकी तैयारी है डोली के साथ मध्यमेश्वर धाम तक जाने की। बाकी अगर आपको पूरी सीरीज देखनी है तो इनके चैनल पे एससी फैमिली ब्लॉग्स पे देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं मंगोली चारी के पास में। ठीक नीचे से भगवान जी की डोली अभी यहां तक आएगी। भगवान जी की डोली के साथ आगे आगे चलते हैं पहाड़ों के पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाऊं और घंटियां पूरे रास्ते भर बजती रहती हैं। Yeah.
हस्बैंड भी आपके ब्लॉग देखते रहते हैं। बड़े बड़े केदार है। केदार है। जय श्री केदार। जय श्री केदार। प्रणाम प्रणाम। बड़े वही दर्शन। बाकी गांव के सभी लोग भगवान जी को विदा करके आ रहे हैं। अंकल जी भी मिले यहाँ पे। हर हर महादेव। तो आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हम इस जगह का नाम है वडलाधार। बाकी यहाँ से ना मध्मेश्वर घाटी भी दिखाई देती है बड़ी दूर तक। यहाँ से सामने कालीमठ घाटी, उसके बगल पे केदारनाथ घाटी, सामने गुप्तकाशी मार्केट, नीचे कालीमठ वाली रोड और नीचे मंदाकिनी नदी का कलकल करता हुआ सुर बड़ी दूर तक सुनाई देता है। और सामने रह गया अपना उखीमठ मार्केट जहाँ से कि हम अभी आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अभी भगवान जी की डोली पहुंची है सलामी गांव में। बाकी यहाँ पे जिस जगह को मैं आपको दिखाई करता था वहीं पे भगवान जी की डोली अभी थोड़ा सा विश्राम करती है, जलपान की व्यवस्थाएं रहती हैं। हर हर महादेव। नमस्कार बोडा जी। तो यहाँ पे हमारे मध्मेश्वर धाम के भंडारी जी बोडा जी मिले हैं दोबारा से। बोले 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 बैठी। हाय। हेलो 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 हेलो। प्रणाम। ठीक है ना। बड़े बड़े ठीक है ना। जय हो भगवान जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब यहाँ से मात्र मध्मेश्वर मंदिर की दूरी रह गई है 35 किलोमीटर और रांसी गांव है मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पे। डोली यात्रा 3 दिनों तक चलेगी। आज रात्रि विश्राम के लिए डोली जाएगी रांसी गांव में जो कि मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पे है, अगले दिन गोंडार गाँव में और फिर तीसरे दिन मध्मेश्वर भगवान जी के मंदिर तक पहुँच कर वहाँ पे कपाट खुल जाएंगे भगवान जी के मंदिर के। भगवान जी की इस डोली यात्रा में अभी बहुत ही कम श्रद्धालु चलते हैं। लगता है आने वाले 5-10 सालों में ये यात्रा भी बहुत ही भव्य होने वाली है, सेम जैसे भगवान केदारनाथ जी की डोली यात्रा होती है। मैं गौर जानू ना। ठीक। ओहो ठीक ठीक। बाकी अब डोली जाएगी नीचे के रास्ते होते हुए मनसुना गांव से सीधे आगे बुरवा गांव की ओर। तो यहाँ पे बोडा जी ने मेरे को दिया है भगवान जी का प्रसाद। बाकी जो भी पगड़ियाँ वगैरह भगवान जी को चढ़ाते हैं वो रास्ते में सभी भक्तजनों को प्रसाद के रूप में बांट दी जाती हैं। तो चले जी आप यहाँ से चलते हैं मनसुना गाँव की ओर जहाँ पे भगवान जी के दर्शन कर लेंगे। और यहाँ से सुजैन भाई तो अपनी बाइक से जाएंगे, ये तो राइडर है, वे क्या बोले आप। पर यह की अभी अगर बाइक ले जाएंगे ना तो वापसी के दिन आने में बड़ी सुविधा होती है। भगवान जी की डोली के अपने धाम जाने के ये पुराने निर्धारित रास्ते हैं जिनसे की भगवान जी की डोली आगे बढ़ती है और फिक्स जगहें रहती हैं जहाँ पे डोली रुकती है कुछ समय के लिए। ये हमारा ग्राम मनसुना है, यहाँ मरणा माई का मंदिर है। ये देवी मरणा माई है, देवी भागवत में भी काफी उल्लेख मिलता है। यहाँ पे मरणा माई के नाम से ही मनसुना गांव प्रसिद्ध है। और यहीं पे पास में जो है अद्भुत कालशिला मंदिर है, वहाँ से जो है मध्मेश्वर भगवान है, माँ रास माई है। और यहाँ पे जो है मरणा माई का प्रांगण है। देवी यहाँ पे जो विराजमान है बाल स्वरूप में विराजमान है। कहा जाता है कि जो शुंभ निशुंभ जो दैत्य थे, लोगों को परेशान किया, मतलब काफ़ी अपनी राक्षसी प्रवृत्ति काफ़ी जो है ज़्यादा चरमोत्कर्ष पे थी, तो उस टाइम पे महर्षि नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने शुंभ निशुंभ राक्षस को जो है ये कहा कि वहाँ पे जो है तुम्हारे विवाह के लिए तुम्हारे योग्य जो है कन्या जो है वहाँ मिलेगी मनसुना में मरणा माई के रूप में, जो कुंवारी कन्या बहुत उनका सौंदर्य अनुपम है, आप उनसे विवाह का प्रस्ताव रखिए। तो शुंभ निशुंभ राक्षस ने जो है उनके सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो देवी ने कहा कि जो मुझसे जो है युद्ध में जिस मुझसे विजय प्राप्त होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इस प्रकार से फिर घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो है देवी ने जो है शुंभ और निशुंभ दैत्य को यहीं पे उनका अंत किया। तो यही इसीलिए जो है यहाँ पे शुंभ निशुंभ जहाँ पे मारे गए वही स्थान मनसुना है। और यहाँ पे मध्मेश्वर भगवान की शिला है, यहाँ पे मध्मेश्वर भगवान विराजमान है इस समय। तो वो जो शिला है वहाँ पे वो जो है ऐसी शिला आप देखोगे तो वहाँ पे जो है बिल्कुल कर्व पोजिशन में, लेकिन उसके बावजूद भी जो है भगवान जो है हमेशा वहीं पे विराजमान होते हैं। हम वहाँ पे ही जो है अपना माथा टेक के भगवान का नमन करते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। भगवान जी की इस डोली यात्रा में भगवान जी के साथ आगे आगे कुछ ऐसे निशान चलते हैं, त्रिशूल, छड़ी और घंटी वाले, मतलब कि जो पूरे रास्ते भर में एक अलग ही माहौल बनाते हैं पूरी यात्रा का। अब जहाँ जहाँ पे भगवान जी की डोली रुकती है तो गाँव वालों के द्वारा वहाँ पे जलपान की व्यवस्थाएँ करी रहती हैं सभी श्रद्धालुओं के लिए।
भगवान जी की डोली तो निकल पड़ी है अपने आगे के सफर पे। आज का रात्रि विश्राम होगा रांसी गांव में। इस बार मुझे भी डोली के साथ पैदल यात्रा करनी थी, लेकिन अभी घर पे कुछ काम है तो मैं फिर डोली को ज्वाइन करूंगा। परसों जब भगवान जी के कपाट खुलेंगे सीधे घर से हम निकल पड़ेंगे मधमेश्वर धाम के लिए। मनसुना गाँव की प्राकृतिक सुंदरता तो मैंने आपको कई बार दिखाई है, लेकिन आज यहाँ का धार्मिक महत्व भी आपको जानने को मिला होगा कि गाँव के बीच में माँ मरणा माई का मंदिर है और हम जहाँ मरणी ट्रैक पे गए थे तो ये देवी सब एक ही देवी के स्वरूप हैं। सब तपन ध्यान रहे हो अपन। हाँ हाँ मीपा तपन है। हाँ कि सभी स्कूली बच्चों को यहाँ पे प्रसाद बांटा जा रहा है जो भी भगवान जी के पूजन के बाद सभी को मिलता है। बाकी पूरी यात्रा का अपडेट आपको सुजान भाई के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। हम तो यात्रा को तीसरे दिन ज्वाइन करेंगे इसके बाद। अब चलते हैं घर की ओर क्योंकि घर पे भी बहुत सारे काम अभी पेंडिंग हैं। बाकी आंचल और सुष्मिता कल रात को पहुंचे हैं सोनप्रयाग से बड़ी मुश्किल से। मतलब कि आजकल चार धाम वाले रूट पे बहुत ज्यादा जाम लग रहा है गाड़ियों का। बाकी आप देखते हैं घर में जाके क्या प्लान बनता है मधमेश्वर धाम की यात्रा का। कुछ दोस्तों निकल पड़े हैं तो चले जी घर पे पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ पे मिस्त्री लोग भी लगे हुए हैं आज के अपने काम पे। भगवान मधमेश्वर जी की डोली आगे बढ़ रही है अपने धाम के लिए और अभी पहुंच चुकी है ठीक सामने बुरवा गाँव के पास में। अब हमारे पहाड़ों में बहुत सारी मान्यताएं और परंपराएं हैं। अब ही डोली के साथ ऐसी भीड़ चलती है श्रद्धालुओं की। पहले सिर्फ डोली को ले जाने वाले लोग रहते थे, उनके साथ कोई भी नहीं चलता था और लोग भगवान जी की डोली के दूर से ही दर्शन करके छुप जाते थे। उस समय हैजा का प्रकोप भी था गाँव में और फिर कुछ ऐसी मान्यताएं थी कि भगवान जी की डोली के साथ बहुत सारे उनके गण चलते हैं, राक्षस चलते हैं, तो फिर उनका डर रहता है। मतलब कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी है भगवान जी के साथ तो नेगेटिव एनर्जी भी रहती थी, तो लोग डरा करते थे भगवान जी की डोली को दूर से ही देख के दर्शन करके छुप जाते थे घरों में। ये सब हमारे पहाड़ों की पुरानी मान्यताएं और परंपराएं हैं। बाकी हमारे पूर्वज हमको बोलते थे कि इसके बाद हिसूल वगैरह नहीं खाते हैं जब भगवान जी की डोली अपने धाम को चले जाती है। शायद उसका रीजन मुझे ये लगता है कि अब गर्मियां बढ़ने लगी है तो हिसूल की झाड़ियों के आसपास सांप का डर भी रहता है, हो सकता है इसलिए बोलते हों या फिर कुछ और कारण भी रहते होंगे। पहले ये भी बोलते थे ना कि जेठ के महीने में हैजा का प्रकोप भी ज्यादा रहता था, तो जैसे भगवान जी की डोली जाती थी अपने धाम के लिए तो हमको बोलते थे बाहर मत आना, काल बीता रहता है बाहर। काल बीता मतलब कोई रहता होगा पिशाच वगैरह। मतलब बहुत सारी मान्यताएं और परंपराएं हैं। खैर उनके पीछे का जो तर्क है उसको तो वही लोग जाने जिन्होंने वो सब चीजें बनाई हैं। अब हम भगवान जी की डोली को ज्वाइन करेंगे तीसरे दिन जब भगवान जी की डोली मधमेश्वर धाम तक पहुंच जाएगी, मतलब कि 20 मई को, और उस दिन भगवान जी के कपाट खुल जाएंगे वहां पे। तो आप लोग भी आइए फिर मधमेश्वर धाम में भगवान जी के दर्शनों के लिए।